नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। सुबह के इस खास अंक में आप सभी का स्वागत है। सेई टू पुलिस की टीम ने असंध रोड पर सीमेंट फैक्ट्री के पास युवक से हथियार के बल पर कार व नकदी लूटने का प्रयास करने वाले चार आरोपियों को किया गिरफ्तार। हथियार के बल पर युवक से कार व नकदी लूटने का प्रयास करने वाले चार आरोपी काबू। पकड़े गए आरोपियों से वारदात में प्रयोग किए गए डंडे भी बरामद। चेक बाउंस के मामले में माननीय न्यायालय से पीओ घोषित तीन आरोपियों को थाना शहर व पीओ स्टाफ की टीम ने किया गिरफ्तार। परिवार पहचान पत्र संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए नई पहल। परिवार पहचान पत्र संबंधी मामलों के समाधान के लिए ब्लॉक व एमसी स्तर पर नियुक्त किए मैनेजर। एडीसी ने दी जानकारी। डीसी सुशील सारवान ने बताया कि बीपीएल परिवारों को मकान मरम्मत के लिए दी जा रही है 80,000 रुपए की मदद। स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में लागू किया गया है ड्रेस कोड। सीएमओ ने कहा कि सरकारी अस्पताल के चिकित्सक और कर्मचारी निर्धारित ड्रेस में करेंगे ड्यूटी। पानीपत जिला परिषद की हुई पहली बैठक। बैठक में जिले में परिषद का कार्यालय बनाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से किया गया पारित। दूसरी विशाल कांवड़ यात्रा पहुंची हरिद्वार से गाँव जोरासी तक, शिव भक्तों की रही भीड़। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए जुड़ रहे वॉइस ऑफ पानीपत के साथ नमस्कार। Add colors to your loving, life will be shining, you'll have a better future and you'll be smiling. By Sanskriti School, a better place, a better world. By Sanskriti School, sapno se behtar kal. By Sanskriti School, add colors to your learning. By Sanskriti School, your life will be shining.